एक बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूटकर गिर पड़े। बादशाह ने एक मुफस्सर यानी तबीर बताने वाले को बुलवा कर उसे अपना सारा ख्वाब सुनाया और कहा कि इसकी तबीर बतला। मुफस्सर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इसकी तबीर ये बनती है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने आपकी ज़िंदगी में मरेंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने मुफस्सर को कत्ल करवा दिया। फिर एक और मुफस्सर को बुलाया गया। बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया। मुफस्सर ने कहा, बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो, ख्वाब की ताबीर ये बनती है कहा आप माशाल्लाह अपने घर वालों में से लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने खुश होकर मुफस्सर को इनाम व इकराम देकर रुख्सत किया। क्या इस बात का यही मतलब नहीं बनता कि अगर बादशाह अपने घर वालों के सामने लंबी उम्र पाएगा तो सारे घर वाले उसके सामने ही वफात पाएंगे? जी, मतलब तो यही बनता है, मगर बात बात में, बात करने के अंदाज में, अल्फाज में फ़र्क है। लिहाजा आपका बोला गया एक एक लफ्ज़ किसी दूसरे के लिए मरहम भी बन सकता है और ज़ख्म भी। इख्तियार आपके हाथ में है, लिहाजा अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि ये अल्फाज ही तो हैं जो दूसरों के लिए जहर भी साबित हो सकते हैं और दवा भी साबित हो सकते हैं। पहले तोलो फिर बोलो।